अदा करते हैं। फिर आज बहुत सारे सवाल है, कोशिश करता हूँ जो छोटे छोटे जवाब दे सकूँ, और जिस पर तफसीलन बात करनी है उस पर तफसीलन बात करूँगा। कैन आई यूज़ 4D टेक्निक फॉर रिलैक्सेशन वाइल यूजिंग सिल्वा मेथड? यस यू कैन, आइदर दो में से कोई एक कर सकती हैं। यू कैन, आज माइक नहीं चला, अगले हफ्ते से पूरा सिस्टम नया ला रहे हैं, तो अगले हफ्ते आप आगे आ जाइए तो सुनाई देगा। हाँ उठा ले आए, भले यहाँ ले आइए चेयर। बस ये कि जो ज़मीन पे बैठने वाले उनके लिए जगह रखिएगा। डियर सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ डू वी नो इफ वी आर इमोशनली वीक, ऑल्सो हाउ टू बिकम इमोशनली स्ट्रॉन्ग। अच्छा जी, इमोशनल इंटेलिजेंस एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बाहर मुल्कों में तो ये यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल लेवल पे भी डाला जाता है इसकी कुछ चीज़ें, टेक्निक्स। जिस तरह हमारे अंदर IQ होता है जो कि लॉजिकल इंटेलिजेंस है, इस तरह हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस भी होती है। अक्सर मैं कह चुका हूँ कि पाकिस्तानी कौम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है मगर इमोशनली वीक है। तो जज्बात, एहसासात को किस तरह यूज़ करना, इसकी जो आपको सूझबूझ या दानाई चाहिए उसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। हम बहुत इमोशनल कौम है मगर इंटेलिजेंट नहीं है, इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। इसीलिए जब कोई हंगामा होता है तो तोड़फोड़, अपना ही मुल्क का नुकसान करना, अपना ही घर का नुकसान करना, ये इमोशनली इंटेलिजेंस ना होने या कम होने की वजह से। उसका सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है और 1970 में रिसर्च हुई थी, 10 साल रिसर्च हुई, हेल यावर्ड और न्यू हैम्पशायर, येल, हार्वर्ड और न्यू हैम्पशायर, तीन यूनिवर्सिटी में हुई है। और उसको साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि जिन लोगों में ये खूबी पाई जाती है वो ज़िंदगी में बड़े कामयाब होंगे। अब उसमें दो तीन चीज़ें मैं बता सकता हूँ जो दीन इस्लाम में, कुरान में ये चीज़ें मौजूद हैं, मोमिन के अंदर ये क्वालिटी होती है। एक है सब्र, और उसको वो कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन इंग्लिश में। हमारे यहाँ सब्र, मोमिन के दो ही हथियार है, सब्र और शुक्र। दूसरी क्वालिटी इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों में होती है ग्रेटिट्यूड, यानी शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारना। तो जो रिसर्च 1970 में हुई, 1400 साल पहले कुरान ने ये बता दिया कि ये दो खूबियाँ इंसान में होगी, मोमिन में ये दो खूबियाँ लाजिम होनी चाहिए। अब इसकी टेक्निक्स होती हैं जो आप 4D और सिल्वा करते हैं, इसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी बढ़ती है, शर्त ये कि आप उसकी प्रैक्टिस करें तो। और इसका टेस्ट होता है, आप गूगल पे चले जाएं, टेस्ट फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस टाइप करें, मुख्तलिफ सवाल आएंगे, उसको आप जवाब दें तो वो आपको बताएगा कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल क्या है। इसी इमोशनल इंटेलिजेंस में इन्होंने एक और चीज़ डिस्कवर की, वो ये की कि जिन लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस सब में होती है, हम सब में, किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो उनके अंदर एक और चीज़ पाई जाती है, उसे कहते हैं 9 multiple intelligence। यानी हमारे में एक से ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर ही इंटेलिजेंस है, उसके सब पार्ट हैं, जिसको मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब इसमें कुछ लोग, एक बच्चा है वो छोटी उम्र में म्यूज़िक सुनता है तो वो हिलना शुरू करता है, तो पता चला कि उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। कौन सी? म्यूज़िकल। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस में जो म्यूज़िकल पार्ट है वो उस बच्चे में ज़्यादा है, तो बड़ा होकर अगर कामयाब होना है और अगर म्यूज़िक की तरफ जाएगा तो वो बहुत कामयाब होगा। इसी तरह बाज़ लोगों में आपने नोटिस किया होगा लिंग्विस्टिक्स इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है, लिसानियत जिसे कहते हैं, लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना, लुगत बड़ी होगी उनके पास, बहुत अच्छे अल्फाज में बात करेंगे। अदीब, शायर, राइटर, पोइट्स, उसके अलावा स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, उनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी। अब अगर मेरे में नहीं है तो मैं कोई किताब लिखने बैठूंगा तो मुझे बड़ी मदद चाहिए क्योंकि मेरे पास अल्फाज का ज़खीरा कम होगा। फिर कुछ लोगों के अंदर इंट्रापर्सनल होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, किसी में नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस होती है। ऐसे वो लोग होते हैं नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस के जो फितरत के साथ, नेचर के साथ बड़े अहम हांग होते हैं, जैसे किसान हैं, जैसे जो लोग फल पौधों से मोहब्बत करते हैं, शेफ फॉर एग्जांपल। आप शेफ बन ही नहीं सकते जब आप में नेचुरल इंटेलिजेंस ना हो, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पार्ट होता है, क्योंकि सब्जियों से प्यार मोहब्बत, आपका एक ताल्लुक होना चाहिए तभी आप अच्छे शेफ बन सकते हैं। इसी तरह जो फितरत में चीज़ें, जानवर वगैरह हैं, उनसे प्यार मोहब्बत, एक ताल्लुक, तब आपका एक बनेगा। इस तरह कुछ लोग पीपल्स मैन होते हैं, लोगों में घुल मिल जाते हैं, गपशप करते हैं, दोस्तियां बना लेते हैं, उनमें ये इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, वो लोग सेल्स में बहुत कामयाब होंगे।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तन्हाई पसंद होते हैं, उनको माहौल क्वाइट चाहिए, सुकून चाहिए, ऐसे लोग अमूमन दरवेश होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, मेडिटेशन करते हैं इस किस्म के। तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट करके देख लें कि आप में कौन सी इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा है, नंबर वन, नंबर टू क्या है, नंबर थ्री क्या है, तीन को चेक कर लें। उसका फ़ायदा होगा कि अगर आप, एक सवाल भी आया था कि हाउ डू वी फाइंड आवर पैशन इन लाइफ, मेरे ख्याल में पता नहीं आज ये सवाल है कि नहीं है, शायद है। उसका जवाब यही है कि इंटेलिजेंस टेस्ट कर लें, उसमें पता चलेगा कि नेचुरल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस आप में कौन सी है। उस रास्ते पे जाएं तो आपका पैशन भी होगा उसके अंदर और आप कामयाब भी होंगे उस प्रोफेशन में। नेक्स्ट सवाल, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे जो बार बार पूछे जा रहे हैं, और आप, मैं कई दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, इल्मे लदूनी कई दफ़ा बता चुका हूँ, तो बार बार रिपीट ना करें सवाल। आपका काम ये है कि आप फेसबुक पे या जाएं और पिछले दो महीने के जुमेरात के लेक्चर सुने, आपको जवाब दे। अब आप कहें मैं ढूंढ के दूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं ढूंढ के दूँ, इतना तो कम से कम कर लिया करें। दूसरा, एक बड़ी अजीब गरीब चीज़ मैंने देखी, यहाँ से एक मैसेज जाता है फला वर्कशॉप पे, बाकायदा ब्रोशर बना हुआ है, उसमें वर्कशॉप की डिटेल है, टेलीफोन नंबर, फट से जवाब, वहाँ से एक जवाब आता है, सवाल आता है इनफैक्ट, जो कि जवाब होता है वो ये कि इसकी प्राइस कितनी है। भाई, जो आपको फ्लायर दिया है उसके अंदर नंबर है, उसको फ़ोन करके पूछें, हमें क्यों पूछते हैं? एक तो ऑलरेडी हमारे पास काम इतना ज़्यादा। और कई दफ़ा लोग जो वॉइस मैसेज भेजते हैं बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, 10, 15, 20, 25 सेकंड का भेजते हैं, मुद्दा बयान कर लें, पिछली बातें ना करें, हम आपको फ़ौरन जवाब दें। तो बराए करम इस चीज़ का एहसास रखें कि हमारे पास बहुत काम है और हम बहुत सारे लोगों को डील कर रहे होते हैं। आपके लिए शायद एक मैसेज हो, मेरे लिए 300 मैसेज डेली आते हैं, 400 मैसेज डेली आते हैं, तो मुमकिन नहीं। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट सवाल है, सलाम सर वालिफ्लाम, मुझे ये जानना है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं होता ना, तो फिर एक इंसान जब दूसरे इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करता है तो अल्लाह ऐसा क्यों होने देता है? अल्लाह को तो सब पता होता है, तो फिर क्यों? काइंडली आंसर माई क्वेश्चन। ये हिना ने पूछा है, अल्लाह ने आपको ज़मीन पर भेजा, माँ बाप दिए, तरबियत मिली माँ बाप से, घर का माहौल मिला, माशरा मिला, दीन मिला, उसके बाद आपको अल्लाह ने मुकम्मल अमल और इरादे का इख्तियार दे दिया। आप चाहो कत्ल करो, किसी की जान बचाओ, आपके ऊपर टोटल इख्तियार है। अगर वो इख्तियार ना देता आपको और बांध के रखता आपको, तो वो अदल नहीं कर सकता रोज़े महशर। उसका अदल ये कहता है, इंसान को आज़ाद छोड़ दिया, मगर एहसान उसका ये है कि इल्म दिया, ईमान दिया, हिदायत दी, माँ बाप दिए जो जिनका फ़र्ज था कि तरबियत करें, उसके बाद आपको अकल दे दी कि आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, अब आप क्या करते हो ये आपके ऊपर। तो जो शख्स किसी पे जुल्म करता, अल्लाह उसको कभी नहीं रोकेगा, यहाँ इस दुनिया में नहीं रोकेगा। कई दफ़ा एक सवाल आता है, कुरान में आयत है, तो इज़्ज़त मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ, अल्लाह ही इज़्ज़त देता है, अल्लाह ही ज़िल्लत देता है। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसा क्या है, हम तो देखते हैं बहुत बुरा आदमी है, उसको बड़ी इज़्ज़त मिली है, एक नेक आदमी है, उसको कोई नहीं पूछता। तो ये जो इज़्ज़त और ज़िल्लत है, इसका ताल्लुक आखिरत से, दुनिया से नहीं है। दुनिया में अगर आपको इज़्ज़त मिलती है तो भी वो आजमाइश है, और अगर ज़िल्लत मिलती है तो भी आपके लिए आजमाइश है, अल्लाह की तरफ से नहीं है वो। अल्लाह की तरफ से इज़्ज़त और ज़िल्लत रोज़े महशर जब इंसान खड़ा होगा अपने अपने आमाल लेकर, वहाँ जो ज़िल्लत होगी, ऐसी ज़िल्लत दुनिया में नहीं हो सकती। यहाँ तो आपको पता ना, फ्रॉड करने के बाद पाकिस्तान से भाग जाएं, थोड़े दिन टीवी पे नाम आएगा, थोड़ी ज़िल्लत है, और ज़िल्लत भी नहीं होती उनके लिए, इतना माल कमाए कि फ़र्क ही नहीं पड़ता, बेहिस है, ज़मीर ख़त्म हो चुका है। तो इसी तरह ये समझे कि अल्लाह इंटरफेयर नहीं करता, अल्लाह के मामलात ऐसे नहीं है कि वो इंटरफेयर करे। आपकी ज़ाती ज़िंदगी, आप जो करना चाहें करें, आप मस्जिद में जाना है मस्जिद जाएं, मैं खाना में शराब पीने जानी शराब पीने जाएं, वो नहीं रोकेगा आपको। आपने क्या करना है ये इख्तियार आपको दिया, और ये इख्तियार अल्लाह ने इंसान के अलावा किसी को नहीं दिया। जानवर जबलत होती है, इंस्टिंक्ट होती है, उसके ऊपर जिंदा रहता है, मगर उसको अवेयरनेस अपने वजूद के होने का एहसास नहीं, उसके पास इख्तियार नहीं है। भूख लगेगी, चोरी करेगा, मतलब किसी का खाना चोरी, कुछ जानवर खाना चोरी करते ना दूसरे जानवर का, इंतज़ार करते हैं, शेर ने कुछ खा लिया फिर घुसेगा, जैसे फॉक्स जो होता है वो घुसते छाना चोरी करने की कोशिश करता है,
वल्चर्स आते हैं ऊपर से, वो खाना चोरी करने की कोशिश करते हैं, मगर इंसान जो है वो बिला वजह ही अपनी ज़ात की वजह से, अपने गुस्से की वजह से, अपनी खुदगर्जी की वजह से किसी का कत्ल कर देगा, जानवर नहीं करेगा। भूख लगेगी तो कत्ल करेगा या अपने इलाके का दिफा करते हुए कत्ल करेगा, किसी दूसरे जानवर को मारेगा, इंसान तो वैसे ही मार देता है। तो ये फ़र्क है। नेक्स्ट सवाल, सलाम डॉक्टर मोइज, अल्लाह आप पे अपनी रहमत बारिश करे, रहमत की बरसात हो, आमीन। सबलिमिनल मैसेजेस क्या और ये किस तरह काम करते हैं और ये बेनिफिशियल लिसनर्स के लिए क्यों है? अच्छा, ये लफ्ज़ आपने कभी कभी सुना होगा, ये जो लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और ये YouTube पे मुख्तलिफ़ वीडियो जिनमें से ज़्यादातर बिल्कुल फजूल है, वो प्लीज़ सबलिमिनल मैसेजेस, ये वर्ड है सबलिमिनल, सब कहते हैं नीचे, बिलो। वो मैसेज, वो पैगाम जो आप सुनते तो हैं मगर आपके शऊर के दायरे से नीचे है। ये शुरू क्या हुआ, सालों पहले कोक ने फिल्मों में, जिस ज़माने में फिल्में चलना शुरू हुई, तो कोक क्या करता था, उसमें एक विजुअल मैसेज होते हैं और एक ऑडिटरी सबलिमिनल मैसेजेस होते हैं। विजुअल मैसेज ये हो रहा है, आपको पता है कि अगर आप में से किसी को आइडिया है फिल्म की या रिकॉर्डिंग की, तो उसमें होता है कि फ्रेम्स होती हैं, जब आप कोई मूवी बनाते हैं तो एक एक्शन की कई फ्रेम्स होती हैं ना, तो उस फ्रेम के अंदर उन्होंने एक कोक का डाल दिया इश्तिहार। अब वो जब फिल्म चल रही है तो इतनी स्पीड से आपको तो नज़र आता है ना कि बंदा मूव कर रहा है, स्लो मोशन में आप हैरान होंगे अगर आप देखें कभी फिल्म। मैं जब छोटा था तो मुझे याद है मैं बड़ी अजीब गरीब हरकतें करता था, वो उस ज़माने में एक प्रोजेक्टर आता था 15-20 रुपए का था, उसमें एक बल्ब लगता था और फिल्में मिलती थी, पट्टियाँ फिल्मों की, वो बाज़ार से मैं 2 रुपए की ख़रीद के लाता था, फिर दोस्तों को जमा करता था कि चलो भाई आज मैं तुम्हें फिल्म दिखाता हूँ, चार आने लेता था सबसे, और उसमें एक पेटीज भी देता था। अब अपने घर पे बिठा दिया, अब वो फिल्म चल रही है, हाथ से आप चलाते थे उस प्रोजेक्टर को, राइट, तो उसमें ऐसी मूवमेंट स्लो आती थी। स्लो मूवमेंट इसलिए आती थी कि उसकी स्पीड कम थी, जो ओरिजिनल अच्छा प्रोजेक्टर, प्रॉपर प्रोजेक्टर, उसमें स्पीड ज़्यादा होती है, तो फ्रेम के ऊपर। तो क्या करता, एक फ्रेम डाल दी कोक की, अब बंदा मूवी देख रहा है और वो एक फ्रेम आई और इतनी स्पीड से आगे चली गई कि पता भी नहीं चला उसके, उसे देखा भी नहीं, हालांकि उसने देखा मगर शऊर में नहीं आया उसके, बहुत फास्ट आती थी वो। अब एकदम से उसे तलब हुई, इंटरव्यू लिया, सबने कोक मंगवाई पीना, उसके बाद उन पे केस हुआ, उसको अनएथिकल करार दे दिया कि नहीं ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। फिर लोगों ने सबलिमिनल मैसेजेस ऑडियो में देना शुरू किए, आप एक म्यूजिक सुन रहे हैं, आप कोई मेडिटेशन सुन रहे हैं यूट्यूब पे, उसके अंदर सबलिमिनल मैसेज। अब होता क्या है, आपका कान सुनता है, जो आवाज़ जाती है ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, मगर उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपका कान तो सुनता है मगर आपका दिमाग जो है उसे प्रोसेस नहीं कर पाता, मगर आपके तहते शऊर में वो मैसेज चला गया। तो पता, आपने बाद में वो सामान ख़रीदा उससे, वो कोई DVD बेच रहा है, कोई किताब बेच रहा है, कोई CD बेच रहा है, आपने ख़रीदा, पहले ये। दूसरा, सबलिमिनल मैसेज का सबसे बड़ा ख़तरा ये कि आपको ये नहीं पता कि आप क्या सुन रहे हैं, आप तो म्यूज़िक सुन रहे हैं, आप तो गाना सुन रहे हैं, आप तो किसी की तकरीर सुन रहे हैं, मगर आपको नहीं पता कि उस तकरीर में कुछ ऐसे मैसेज हैं जो आप कॉन्शियसली नहीं सुन रहे, वो चीज़ आपके ब्रेन को प्रोग्राम करती है। तो बाज़ दफ़ा जो कल्ट बनाते हैं, फिरके बनाते हैं, दुनिया में बहुत बड़े बड़े फिरके बने, ओशो रजनीश का एक बड़ा मशहूर फिरका था अगर आपको याद हो, वो शुरू हुआ श्री भगवान रजनीश के नाम से, उसके बाद उसके शागिर्दों ने उसको ओशो का लकब दे दिया, और वो कहाँ से, ज़रा इस तरफ आ जाइए ताकि लोग पीछे बैठ जाए, ओशो का लकब दे दिया, वो भी सबलिमिनल मैसेजेस ब्रेन वॉशिंग यूज़ करता था। तो आपके जहन में क्या डाला जा रहा आपको पता ही नहीं होगा, बस ये होगा कि आप किसी तरफ माइल हो जाएंगे किसी फिरके में, मैं इस्लामी फिरकों की बात नहीं कर रहा, ये जो कल्ट होती है, कल्ट्स, ये बड़ा कंट्रोल करती है आप। तो ये सबलिमिनल, तो मेहरबानी करके हर चीज़ यूट्यूब पे ना सुने, जंक है, फजूल है सारा का। नेक्स्ट, सलाम डॉक्टर मोइज, मच अप्रिसिएशन दैट यू फ्रॉम योर प्रेशियस टाइम, आपने अपना वक्त निकाला बिल्कुल नहीं, हमारी नॉलेज को बढ़ाया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे पूछना चाह रही थी, इन्होंने इमाम अली का एक कॉल है अली सलाम का, व्हाट यू सीक इज ऑलरेडी सीकिंग यू, इज दैट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ही मीन्स, प्लीज एनलाइटन मी। मौला कायनात का कॉल है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें ढूंढ रही है या ढूंढ रहा है,
तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा, इस पर DVD भी बनी है, किताब भी निकली है। अगेन ये अभी अभी पता चला, ये कानून है, कुदरत है, कायनात इसके ऊपर चलती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। तो इनका ये कि इसको समझाएं। देखिए हमारे गुरुजी एक दफ़ा कहा करते थे, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द मास्टर शैल कम। जब स्टूडेंट तैयार होगा तो मास्टर आएगा। अब यहाँ जो चीज है वो समझे कि जब आप किसी को ढूंढेंगे तो वो आपको ढूंढेगा, तो पहले तलाश तो शुरू करो। जब इंसान किसी शय की तलाश करता है, चाहे वो इल्म हो या कोई और शय की तलाश करता है, जिसको आप ढूंढ रहे हो वो आपको ढूंढेगा, वो ढूंढ रहा है। अच्छा, ये अजीब गरीब सिस्टम ये है कायनात का कि ये चीज़ एक साथ चलती है। मिसाल के तौर पर अगर थोड़ी सी आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, दुनिया में बड़ी बड़ी जो इन्वेंशन हुई है, एक मखसूस दौर में दुनिया के अंदर चंद लोग जो फैले हुए थे दुनिया में, एक ही चीज़ पे सोच रहे थे। मसलन हवाई जहाज बनाने वाले कुछ लोग ऐसे थे जो हवाई जहाज के बारे में सोच रहे थे, जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं था दुनिया के मुख्तलिफ। एक वक्त में एक पर्टिकुलर सोच है जो दुनिया के कुछ अफराद सोच रहे हैं, जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, उनको नहीं पता वो सामने वाला शख्स क्या सोच रहा है, राइट। तो जब आपके जहन में एक सोच आती है, किसी चीज़ की तलाश है, कोई इन्वेंशन के लिए आप मालूम करें, कोई ईजाद करनी है मुझे, कोई चीज़ तख्लीक करनी है, जब आप ये सोचते हैं तो वो चीज़ जो तख्लीक होने वाली है, वो शख्स जिसको आप ढूंढ रहे होते हैं, आपकी वाइब्रेशन या आपकी जो इरताश है वो उस तक पहुंचती है, और वो इरताश अपनी आप तक पहुंचा। बुज़ुर्गों में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई शख्स, कोई बुज़ुर्ग किसी बुज़ुर्ग के बारे में सोचते थे तो वो बुज़ुर्ग उसी लम्हे उसी के बारे में सोचते थे, पहले वाले के बारे में। तो ये बड़ा कॉमन है। शर्त इसमें यह कि पहला कदम तो उठाओ, किसी की तलाश तो शुरू करो, चाहे वो इल्म की हो, मारिफत की हो, तकवा की हो, हिदायत की हो, किसी चीज़ की तलाश तो शुरू करो, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की हो, किसी चीज़ की तलाश शुरू करो। जैसी तलाश शुरू करोगे वो शय आपको खुद ब खुद भी तलाश करना शुरू करेगी। तो दोनों तरफ से तलाश बराबर है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल ये है कि सर आई वांट टू नो अबाउट डायमेंशंस, एज यू मेंशन इन वन ऑफ योर वीडियोस दैट ह्यूमन हैव 7 डायमेंशंस एंड एंजल्स हैव 5, काइंडली मुझे अपना स्टूडेंट बना लें, मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मेरी एज 23 साल है, मुझे नॉलेज गेन करने का बहुत शौक है, हद से ज़्यादा। आपकी स्पीच ने मुझे बेचैन कर दिया है कि इंसान के दिमाग का क्या 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 कर सकता है। वाकई 2-3 चीज़ें मैं खुद करी है वो सब होती। अच्छा, ये बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, 7 आसमान ज़मीन की, 7 तय, 7 रंग, 7 सुर, है ना, 7 सुना ना आपने। अब डायमेंशंस के बारे में सिर्फ इतना बता सकता हूँ जितना मैं और आप समझ सकते, बगैर कॉन्सेप्ट्स के आप बात नहीं समझ सकते। आपको हर चीज़ समझने के लिए एक बेस चाहिए, जिसको हम कहते हैं नज़रिया। अगर मैं कोई ऐसी बात करूँ जिसका आपके पास कोई बेस नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप वो बात नहीं समझेंगे। आप क्या करेंगे, अपनी सूझबूझ के मुताबिक मेरी बात को तब्दील करके समझेंगे, जो कि वो नहीं होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब अल्लाह की कायनात में जो मखलूक है उसमें एक मखलूक ऐसी है जो 1-डायमेंशनल है। इलेक्ट्रॉन एटम में एक ही सिम घूमता है, ना दाएं ना बाएं ना ऊपर ना, एक ही सिम घूमता है इलेक्ट्रॉन, वो 1-डायमेंशनल की मखलूक है। फिर 2-डायमेंशनल मखलूक अल्लाह ने बनाई। अच्छा, डायमेंशंस 2 किस्म के होते हैं, एक एग्जिस्टेंस के और एक अवेयरनेस के या शऊर के, 2 किस्म के डायमेंशन होते हैं। अब जो मखलूक है जो एग्जिस्ट करती है, जो जिसको अल्लाह ने तख्लीक किया है, वो मखलूक 2 डायमेंशन की वो है कि वो सामने जाएगी या दाएं बाएं जाएगी, उसको गहराई का अंदाज़ा नहीं होगा। जैसे चूटी को आप एक सेब के ऊपर रख ले वो नीचे गिर जाएगी, उसे डेप्थ का अंदाज़ा नहीं है। इंसान के पास विथ भी है, लेंथ भी है और डेप्थ भी है। तो हमारा विजन जो है वो 3-डायमेंशनल है, हमारा विजन 3-डायमेंशनल है। फिर 4-डायमेंशन की मखलूक आती है, उसमें आइंस्टाइन कहता है टाइम एंड स्पेस है, हम कहते हैं माइंड है, फिर 5th डायमेंशन है। 5th डायमेंशन फरिश्तों की एग्जिस्टेंस का या उनके वजूद का डायमेंशन। अब इंसान जो है वो
रहता तो थ्री डायमेंशन में हरकत है, वो बाज दफ़ा एक ही डायमेंशन की भी करता है, एक ही गेट चक्कर काटना, एक ही बात जहन में फंस गई उसी पे घुमाते रहना, कभी कभी टू डायमेंशन बन जाता है, गहराई नहीं समझता चीज़ों की, सतही सोच रखता है, उसे हम कहते हैं टू डायमेंशनल थिंकिंग है। कुछ ऐसे होते हैं जो गहराई में सोचते हैं, वो थ्री डायमेंशनल थिंकिंग है। मैं एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, मैं शऊर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर जब वो चौथी डायमेंशन पे जाता है तो उसका माइंड टाइम एंड स्पेस से आज़ाद हो जाता है, जैसे फोर्थ डायमेंशन आप करते हैं या सिल्वा करते हैं, माइंड आज़ाद हो जाता है। फिफ्थ डायमेंशन में वो उस डायमेंशन में उसका शऊर बेदार होता है जब वो फरिश्तों की हकीकत समझ लेता है। वो मखलूक जो वहाँ पे उस डायमेंशन पे है, जो टाइम एंड स्पेस से आज़ाद है, उनके लिए फासला कुछ नहीं है, वक्त कुछ नहीं है, वो मखलूक वहाँ पे जितनी भी है वो फिफ्थ डायमेंशन की मखलूक, उसके साथ आपका रब्त होना शुरू होता है। इंसान उस डायमेंशन तक पहुँच सकता है, अल्लाह के बड़े बड़े वली और बड़े बड़े दरवेश उस डायमेंशन पे गए, उससे ऊपर भी गए। सेवन डायमेंशन जो है वो गॉड्स कॉन्शियसनेस कहते हैं, और ये बताया नहीं जा सकता कि वो क्या है, क्योंकि इसके लिए अल्फाज नहीं है। आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे वो एक्सपीरियंस जो एकदम से सामने हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर अल्लाह की आवाज़ सुनी, रोशनी हुई, बेहोश हो गए। अब ये एक्सप्लेनेशन कुरान में आई, मगर अल्फाज का लिबास पहन के आई, बगैर अल्फाज के हम नहीं समझ सकते। अगर मैं मोहब्बत की बात करूँ तो मोहब्बत को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हर एक का एक्सपीरियंस मोहब्बत का अलग अलग होगा, आप उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते भाई। तो फिफ्थ डायमेंशन के बाद चीज़ें एक्सप्लेन नहीं होती, मैंने इस पर काफ़ी डिटेल में बात की। बस समझना यह है कि बहसियत इंसान हमें नीचे से ऊपर की तरफ सफ़र करना है, ना कि ऊपर से नीचे आना है। नेक्स्ट सवाल, सलाम डॉग, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैंने आपका 6 सितंबर वाला लेक्चर सुना जिसमें आपने कहा था कलमा गो अगर रास्ते से हट गया तो हलाकत है उसकी, उसके लिए। बस ये अल्फाज मुझे तंग कर रहे हैं। मैंने पूछना ये था कि मैं बहुत सर्च करती हूँ रूहानियत के बारे में, सारे मज़ाहिब को पढ़ चुकी हूँ, तो अब मेरा मानना है कि अल्लाह एक फील्ड का नाम है, फील्ड है, एक ऐसी फील्ड जो हर जगह मौजूद है, तो क्या ये गलत है? कोमल फ्रॉम इस्लामाबाद, आई एम मैरिड, बच्चे वगैरह वगैरह वगैरह। एनीवे, अगर आप परेशान ना हो तो फिक्र की बात है, परेशान हो तो फिक्र की बात नहीं है। अगर ये फिक्र सताने लगे कि रास्ते से हट गए तो हलाकत है, तो ये तो अच्छी बात है ना। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अजान सुनकर अगर यहाँ दिल में कोई तब्दीली ना हो तो फिर फिक्र की बात है, इसका मतलब दिल मुर्दा हो गया। या तिलावत सुन रहे हैं और तिलावत के बाद कुछ असर ना हो यहाँ पर तो फिर दिल गया, तो समझो अब ये हलाकत है। मैं मौलवी नहीं हूँ मगर वो बातें कर रहा हूँ जो असर होनी चाहिए हम पर, समझिए। अब इसका अपना ये ख्याल है कि एक फील्ड ऑफ एनर्जी है जो पूरी कायनात को घेरे हुए है और उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अगेन एक नज़रिया है, दिस इज़ हाउ इन्होंने सोचा या किसी किताब में पढ़ा या किसी जगह लेक्चर सुना कि ये फील्ड है, मगर ज़ाते बारी ताला जो है वो हम उसको तशबीह नहीं दे सकते, किसी चीज़ से दे ही नहीं सकते, बियॉन्ड ऑल कॉन्सेप्ट है हमारे। मगर होता ये कि जब हम खुदा का तसव्वुर करते हैं तो हमारे लिए ये है चीज़ें कि जी उसने अपनी क्वालिटीज़ एट्रीब्यूट्स बताए, तो वो हम फोकस कर सकते हैं उसके ऊपर, मगर कोई तसव्वुर नहीं ला सकते, कोई शब ही नहीं ला सकते, कॉन्सेप्ट नहीं है अल्लाह का, जो भी हम सोचेंगे वो अल्लाह वो नहीं। तो ये ठीक है कि एक मेडिटेशन के अंदर एक डायरेक्शन के लिए, एक फोकस के लिए आप फील्ड ऑफ एनर्जी समझ सकते हैं, या एक ऐसी फील्ड जिसमें पूरी कायनात मौजूद है, कर सकते हैं आप, मगर अल्लाह वो भी नहीं। इस तरह मुख्तलिफ मजाहिब में बुत परस्ती आने की वजह सबसे बड़ी ये थी कि तसव्वुर खुदा नहीं होता, खुदा का तसव्वुर हो नहीं सकता, तो फिर वहाँ पे फिर कोई चीज़ बनाई गई कि जिसको ये कहा कि ये खुदा की नुमाइंदगी करता है। याद रखें, हिंदू बुत को नहीं पूछ रहे, बजाय लगता है कि बुत परस्ती है, बुत नहीं पूछ रहे, वो कहते हैं ये भगवान की नुमाइंदगी करता है, शिव भगवान की करता है, कृष्ण भगवान की नुमाइंदगी करता है।
अब कोई भी छवि बनाए वो फिर गलत हो जाता, हमारे लिए वो कुफर है, नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ज़ात इंसानी जहन के अंदर आ ही नहीं सकता, समा ही नहीं सकता कोई किसी तरह भी। तो अब इसमें कोई डरने की बात नहीं, अच्छी बात है, मगर तमाम मज़ाहिब का अदब और एहतराम करें, अपने बिलीफ को पकड़ के रखें और किसी के बिलीफ को छेड़े मत, यानी अपना अकीदा छोड़ो मत, किसी के अकीदे को छेड़ो मत, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, मेरा नाम ज़ैनब है, मेरा ताल्लुक़ अच्छी चीज़ों से है, मैं ख़ुद को पहचानना चाहती हूँ, मैं कौन हूँ, मैं अपनी ज़ात को पहचानना चाहती हूँ, मुझे अल्लाह ने दुनिया में क्यों भेजा है, मैं लोगों के लिए बनाई गई हूँ, मैं अपने आप को कैसे पहचानूँ। अच्छा ज़ैनब, अच्छा फिर उसके बाद मैं बहुत परेशान हूँ, अल्लाह मेरी मदद करे, आप मुझे रास्ता बताइए। जब इंसान के अंदर ये सवाल आया अभी हाज़रीन में, जब इंसान के अंदर ये सोच पैदा हो जाए कि मैं कौन हूँ, तो फिर परेशानी लाजमी है, क्योंकि जवाब तलाश ज़रूरी है। जब कोई सवाल आपके जहन में आता है उस पर जवाब ना मिले तो आप परेशान हो, और जब तक वो जवाब ना मिले आप परेशान हो, तो अब ये तो बहुत बड़ा सवाल है। अजल से लेकर हर मज़ाहिब में, हर रूहानियत के अंदर किसी न किसी ने उठ के सवाल किया कि मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता। बुल्ले शाह ने कहा, मैं बुल्ले शाह भी कहता है मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता। तो सवाल बहुत अच्छा है, इससे एक तहरीक पैदा होती है इंसान की ज़िंदगी में, और वो ये कि उसकी जस्तजू करता है। मैं जवाब नहीं दे सकता आप कौन है, ये तलाश आपकी है और जवाब भी आपका होगा, मेरा जवाब आपके किसी काम का नहीं है। मैंने तलाश किया मैं कौन हूँ, मगर ये मेरा जवाब था, मेरा जवाब आपके लिए नहीं, आपको तलाश करना पड़ेगा। उसके लिए सोबत बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोगों में बैठे कि जो इस किस्म की सोच रखते हो, जहन रखते हो। मेडिटेशन या मराकबा बड़ा ज़रूरी है, और मुस्तनिद उस्ताद से सीखा जाए, उस मराकबे में भी आपको जवाब मिलेगा, मगर ये कभी कभी टाइम भी लगेगा। अच्छा, अभी इन्होंने आखिरी कहा है कि जब बचपन से सोचूं कि इस्लाम इतना लिमिटेड नहीं हो सकता। इस्लाम लिमिटेड नहीं है बीबी, मुसलमान लिमिटेड है। पहले दिन से जब अल्लाह ताला ने हिदायत भेजी, उस दिन से इस्लाम आया, हर बच्चा इस्लामिक प्रिंसिपल पे पैदा होता है। तो पहले दिन से इस्लाम था, मगर हर दौर में जो ज़हनी इर्तका की मंजिल थी, मेंटल इवोल्यूशन की मंजिल थी, उस लिहाज से अल्लाह ने हिदायतें भेजी पीसीज में, टुकड़ों में, जो उस दौर में ज़रूरी थी। इस्लाम मुकम्मल हुआ, कुरान कहता है ना कि अब दीन आज मुकम्मल हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो कुरान उतरा, इस्लाम मुकम्मल हो गया, उसमें वो तमाम हिदायतें मौजूद है जो आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, तमाम अल्लाह के अनबिया कराम को और अल्लाह के बंदों को कहीं ना कहीं हवाले से अल्लाह ने भेजी। तो ये मुकम्मल हुआ, इस्लाम लिमिटेड नहीं है। हर बच्चा जो दुनिया में आता है वो इस्लाम के उसूलों पर पैदा होता है। तो इस्लाम तो घर घर में, पहचान किसी किसी को है, जिसके पास हिदायत आई वो पहचानेगा, नहीं आई तो नहीं पहचानेगा। नेक्स्ट जी, ज़ैनब का सवाल भी हो गया, अब क्या सवाल है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मुझे बताना कितना मिनट रह गए। वो तो चले गए साहब, कितने मिनट बाकी हैं? 30 मिनट बाकी हैं, 30 7:30 हो गए। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं कोई किताब पढ़ रही थी, इसमें ऑथर ने कहा है हम इंसानों के 3 सेल्फ हैं, एक लोअर सेल्फ है, एक मिडिल है और एक हायर सेल्फ। मुझे ये पता है कि लोअर सेल्फ हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, खुद ही फैसला कर लिया इन्होंने, मिडिल सेल्फ हमारा लेफ्ट लॉजिकल है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? ये आयशा है न्यूयॉर्क से, आयशा इस तरह नहीं अपने साथ फैसले कर ले। वेट कर रहा था हमारे मस्जिद की अजान आ जाए, मगर शायद देर है 2-3 मिनट। इंसान जब गिरता है किरदार में, अखलाक में, तो वो
اتنا نیچے گرتا ہے کہ درندے سے نیچے چلا جاتا ہے. ہر درندے کی ایک لمٹ ہے, اس لمٹ سے وہ نیچے نہیں جاتا. انسان درندے سے نیچے چلا جاتا ہے. جانوروں کی دنیا میں, حیوانات کی دنیا میں ایک جانور ایسا ہے جس میں ہومو سیکچوالٹی, ہم جنس پائی جاتی ہے, ہم جنسی رغبت جو ہے پائی جاتی ہے, اور وہ ہے سور. اسی لیے اس کا نام سور ہے. انسان میں پائی جاتی ہے اور حیوانات کی دنیا میں یہ نہیں پائی جاتی. دوسرا انسان گرتا ہے, بات بڑی عجیب سی کہہ رہا ہوں مگر ضروری ہے کہ آپ کو حقائق پتہ چلے. جتنے حیوانات ہیں اس میں ماں کا تقدس ہے, ہر ماں کا تقدس ہے سوائے سور, اس کے لیے ماں کا کوئی تقدس نہیں. اور یہی انسانوں میں بھی ہے. مغرب میں بہت سارے ایسے واقعات, بڑا مشہور ایک سیریز چلتا تھا, پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں, جیری اسپرنگلر شو, پتہ نہیں آپ دیکھتے ہیں, ابھی بھی ملے گا آپ کو. اسے اس طرح سمجھیں کہ انسان جب گر جاتا ہے, لوور سیلف اس کو کہتے ہیں, بہت ہی نچلی ذات اس کی, جیسے ہندیوں میں ایک لوور کاسٹ ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں کہ بھگوان کے پیروں سے پیدا ہوئے, جن کا کام ہے خدمت کرنا. اب انسان جب گرتا ہے اس کی سیلف نیچے کی طرف گرتی ہے تو بالکل نیچے, اور جب چڑھتا ہے تو اتنا چڑھتا ہے کہ فرشتے اسے سجدہ کرتے ہیں, وہ اس کی ہائر سیلف. اس لیول پہ جب پہنچتا ہے تو ملائک اس کو سجدہ کرتے ہیں. اب یہ جو زندگی پوری ہے اس میں یہ سفر ہے. اگر آپ مڈل میں تو ٹھیک ہے, عام سے زندگی گزار رہے ہیں, شعور آپ کا عام سے, تعلیم ہے, اچھا اخلاق ہے, اچھی تربیت ہے, لوگوں کا خیال رکھتے ہیں, نیک انسان ہیں, مگر اوپر جانے کے لیے, ہائر سیلف کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہے تینوں ہمارے اندر, ہائر سیلف کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے پھر آپ کو بہت سارے چیزوں سے دور ہونا پڑتا ہے, اور اپنے من کو, اپنے دل کو, اپنے ذہن کو کسی اور سمت لگانا پڑتا ہے, تب روح تر و تازہ ہوتی ہے, جب روح میں طاقت آتی ہے. اس کو یوگ ایک الگ طریقے سے بیان کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں تین ورڈز ہیں, ستوک, راجسک, تامسک, سنسکرت ورڈ. تامسک بیکار, پوائزن, گندا, خراب, سست, کاہل, بیکار, کسی کام کا نہیں. اب اس میں ہر چیز آ جاتی ہے, چوری بھی کرے, نقصان بھی اٹھائے, انسانوں کو تکلیف دے, یہ تامسک. پھر آتا ہے راجسک, راجسک ایکٹیو آدمی, وقت پہ آفس جاتا ہے,
वक्त पे स्कूल जाता है, काम अपना पूरा करता है, कारोबार में अच्छा है, जॉब में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, राज्य से, मगर जहन पर कंट्रोल उस हवाले से नहीं है कि अगर किसी चीज़ पे फोकस करना चाहे तो फोकस या यकसोई कुछ देर के लिए होगी, उससे आगे नहीं होगी। और फिर आती है सत्विक, इसको कहते हैं प्योर पाकीज़ा जहनी कैफियत, ये तीन जहनी कैफियत है। तो सत्विक में फिर इंसान यकसोई होती है, फिर मकसद हयात पता होता है, कौन है, क्यों आया है, किस लिए आया है, पैदा करने वाले को जानने की कोशिश करता है, किसी हद तक जानता भी है, किसी हद तक जानता भी है, पैदा करने वाले को अपनी मकसद हयात पता चलती है, वगैरह वगैरह। तो वो तीन स्टेजेस योग में भी बताए गए, योग सूत्रा में बताए गए, तामसिक, राजसिक एंड सत्विक। तो यही तीन सेल्फ हैं इंसान के, और यही सारी चढ़ाई उतराई है। एकदम से किसी ने आपको मिडिल में, आप अच्छे इंसान हैं, अच्छा अखलाक है, बच्चे की शादी है, घर में पैसे नहीं, दफ्तर में काम कर रहे हैं, किसी ने कहा चल यार मेरा एक काम करते, फाइल ले ले, ये पैसे ले ले, तो एकदम से लोअर सेल्फ में आ गया। गलत बा काम, बहुत गलत किया, क्यों, किसी का हक मार दिया, कोई और ज़रूरतमंद था जिसके लिए एक प्लॉट था, आपने चक्कर चला के रिश्वत लेके वो प्लॉट अपने नाम करा दिया, तो ये लोअर सेल्फ आ गया। और फिर इंसान जब चढ़ाई करता है तो कहाँ से कहाँ पहुँचता है। रमज़ान में जब आप रोज़ा रखते हैं और आप रोज़ा सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए रखते हो और अल्लाह के लिए रखते हो, और आपको गुस्सा नहीं आता, आपको खाने की कोई फिक्र नहीं है, दो घंटे पहले से इफ्तारी के बारे में नहीं सोचते आप क्या क्या बनेगा इफ्तारी, तो उस वक्त आपकी हायर सेल्फ बड़ी पावरफुल होती है। और जैसे इफ्तारी भी पेट में खाना गया तो फिर वो नीचे आ गया आपका। इसीलिए अल्लाह के बंदे जो होते हैं वो जिंदगी भर रोज़े रखते रहते हैं, हर दो तीन दिन के बाद रोज़ा रखते हैं। कहता है नफ्स को अगर आपने पाकीज़ा करना है तो रोज़ा एक बहुत मुफीद अमल है, वो करना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं जी हम, इसमें भी वही सवाल है नियल, जब ये कायनात सुपर कॉन्शियसनेस है तो, और सुपर कॉन्शियसनेस की प्रोजेक्शन है तो दुनिया में ये जुल्म सितम क्यों? अल्लाह ने कहा कुन फयकुन, कायनात बन गई, इंसान को पैदा किया, रूह फूंक दी, इंसान आ गया दुनिया में। प्रोजेक्शन जो है ये पूरी कायनात वो सुपर कॉन्शियसनेस की प्रोजेक्शन है। इस तरह समझे ऐसे कि जैसे सूरज, मिसाल दे रहा हूँ आपको, अगेन कोई मिसाल भी सही नहीं होगी पर समझाने के लिए, सूरज है उसकी रोशनी ज़मीन तक आती है, और सूरज अगर सुपर कॉन्शियसनेस है तो जो रोशनी ज़मीन पर पहुँचती है वो उसकी क्रिएशन है। वो रोशनी पहुँचती है सूरज की लहरों से, शुआओं से। तो ये जो शुआएं हैं ये निकली सूरज से है मगर सूरज नहीं है। इसी तरह ये पूरी क्रिएशन है, निकलती सूरज से है, रोशनी निकलती सूरज से है मगर रोशनी सूरज नहीं। तो ये जितनी खलकत है अल्लाह ताला की, इसके अंदर अगर कहीं क्रूरती है, जबर है, जुल्म है, तकलीफ है, परेशानी है, तो इस खलकत के अपनी हरकतों की वजह से, ना कि उस प्रोजेक्शन की वजह से जो अल्लाह की तरह तरफ से हुआ। मैंने कई दफ़ा समझाया, कल एक एक्सप्रेस सैटरडे आता है शायद, एक 7 बजे आता है या 6 बजे, एक भेद नाम से एक प्रोग्राम आता है एक्सप्रेस में, तो कल भी वो आए थे रिकॉर्डिंग करने में, तो मैंने कल बात भी की थी। मैंने कहा अल्लाह ने रोशनी पैदा की, अंधेरा पैदा नहीं किया, अंधेरे की कोई हकीकत नहीं है, रोशनी की हकीकत है। मगर अगर आप रोशनी को रोकते हैं तो वो जो कैफियत पैदा होती है उसे अंधेरा कहते हैं, तो वो इंसान की वजह से होते हैं अंधेरा। तो चाहे अंधेरा घर में हो या अंधेरा दिलों में हो या अंधेरा दिमाग में, जब आप रोशनी को रोकेंगे अंधेरा कैफियत पैदा होगी। अच्छा, एक सवाल कर दूं, सिमुलेटेड रियलिटी, सिमुलेटेड कहते हैं मस्नूई। अब इस पर बड़ा आजकल बात हो रही है, बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि दुनिया इस वक्त एक अजीब और गरीब एरा में दाखिल हो रही है जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। ऐसे रोबोट्स जो आपकी बात समझेंगे, सुनेंगे, आपके काम करेंगे, मास्टरों की ज़रूरत नहीं रहेगी अगले 200 साल बाद, 100 साल बाद। तो एक कॉन्सेप्ट आया सिमुलेटेड रियलिटी, मस्नूई हकीकत। अब ये बड़ा अजीब सा वर्ड है कि एक तरफ मस्नूई एक तरफ हकीकत है, तो भाई ये तो तजाद है, जो हकीकत है वो मस्नूई कैसे हो सकती है? इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हकीकत वो है जिसको हम हकीकत मानते हैं,
इनकी हकीकत और है, मेरी हकीकत और है, इसकी हकीकत कुछ और है। इसे कहते हैं पर्सनल रियलिटी, जाती हकायक, जाती हकीकत। कई दफा हकीकत होती है मगर वो सच नहीं होती, सिर्फ हकीकत होती है। और कई दफा हकीकत होती है और सच भी होती है। इसमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा जरूरी है कि बहुत सारे हकायक तो है मगर वो सच नहीं है, और कुछ हकायक है जो हकायक भी और सच भी है। 2 मिनट और रुक जाओ। बढ़िया जी, आज टाइम स्ट्रेच हो गया। पिछली मरतबा टाइम एकदम फास्ट चला गया। एनीवे, सिमुलेटेड रियलिटी बड़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल, कम खाना सेहत के लिए बेहतर है, ये एक हकीकत। मगर जिसको ब्लड प्रेशर लो होता हो या जिसका शुगर लेवल लो हो जाए उसके लिए सही नहीं है, तो फिर सच नहीं है ये। तो जो हकीकत रिलेटिव हो, रिलेटिव समझते हैं आप, रिलेटिव का मतलब है ये बहुत अकलमंद, ये रिलेटिव टर्म है क्योंकि इससे ज़्यादा भी अकलमंद दुनिया में को होगा। ये बहुत हैंडसम है, मेरी नज़र में ये हैंडसम है, बहुत खूबसूरत जवान है ये, मगर मेरी नज़र में, इनकी नज़र में नहीं है, इनकी नज़र में हमारे दूसरे दोस्त हैं वो ज़्यादा हैंडसम है। तो ये रिलेटिव है, दुनिया रिलेटिव है, यहाँ कोई चीज़ मुतलक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। हर चीज़ किसी और चीज़ से बेहतर है या उससे कम बेहतर है। तो इस दुनिया में जो कि रिलेटिव दुनिया है, हकीकतें रिलेटिव होती हैं। साइंस कहती है ज़्यादा सोना ज़रूरी है, 6-7 घंटे सोना चाहिए। अच्छा भाई, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग गुजरे, अल्लाह वाले गुजरे जो चंद घंटे सोते थे, तो 1 घंटा कोई 2 घंटा उनकी तो सेहत पे कोई असर, बुरा असर नहीं हुआ। तो फिर रिलेटिव टर्म है कि आप वो लम्हा नींद में कितनी देर रहते हो और उस नींद के उस लेवल को कैसे टच करते हो। मिसाल दो, फॉर एग्जांपल, जो आपकी असल नींद है उसमें 2 एलिमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, एक आप ख्वाब देखो और एक आप इतनी गहराई में जाओ, इतनी गहराई में जाओ कि मौत और जिंदगी के दरमियान एक बारीक सी लकीर हो और वो चंद सेकंड की होती है। अगर कोई शख्स घोड़े पे बैठा बैठा उस कैफियत में चला जाए और 2 मिनट बाद निकल आए तो 8 घंटे की नींद पूरी कर ली। आई मेरी बात समझ? उस लेवल पे जाके निकल के आना पूरी नींद के बराबर है। तो जो वली है अल्लाह का, जो फकीर है, वो दरवेश है,
वो बहुत कम सोता है मगर उसकी सेहत बहुत अच्छी है, और 8 घंटे जो साइंस कहती है, मेडिकल साइंस कहती है कि 8 घंटे 7 घंटे मिनिमम तो 6 से 7 घंटे सोना चाहिए, वो हकीकत है मगर सच नहीं है, क्योंकि रिलेटिव है ना। बंदा कौन है जिसको 6 घंटे सोना है? वो स्ट्रेस में से आता है, ऑफिस का काम लेके आता है, घर में बीवी परेशान होके बैठी है कि जी डॉलर बढ़ गया। भाई डॉलर का बीवी से क्या ताल्लुक? एक तो मुझे समझ जाते हैं पाकिस्तान में ये अफवाहें इस तरह असर क्यों करती है। डॉलर से एक आम आदमी का कोई ताल्लुक नहीं है। आप जितनी भी इम्पोर्टेड टॉफियां हैं, चॉकलेट्स हैं, सिगरेट्स बंद कर दें, क्यों लगी है दुकानों में? स्टेशनरी आइटम आप बंद कर दें, क्या पाकिस्तान में पेंसिल नहीं बनती, पाकिस्तान में बॉल पॉइंट नहीं बनती, रबर नहीं बनता? बैन कर दें आप, खत्म, आपका जर मुबादला बच जाएगा, मगर नहीं करेगा। बड़े बड़े लोग हैं, सारे इम्पोर्टर्स हैं, वो कैसे बैन होगा? तो अब ये रिलेटिव टर्म है। तो जो चीज़ हकीकत होती है वो जरूरी नहीं सच हो जब तक वो एब्सोल्यूट ना हो। एब्सोल्यूट होना जरूरी है। सच बोलना एक वर्च्यू है, एक वैल्यू है उसकी, कि हमेशा सच बोलो, बिल्कुल सच बोलना चाहिए, मगर रिलेटिव है। क्यों? अल्लाह ताला कहता है कि अगर जान को खतरा हो तो ना बोलो, क्योंकि जान तुम्हारी झूठ से, सच से ज्यादा अफजल है। हराम नहीं खा सकते, मना है, हराम है, हराम मतलब हराम, कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं, किसी सूरत में नहीं खाना आपने हराम। मगर अगर किसी की जिंदगी बचानी हो तो उस वक्त हराम हलाल बन जाता है। तो हराम भी रिलेटिव है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है ना। शराब मना है, उम्मुल खवाइस कहा जाता है, बुराइयों की माँ है, शराब हराम है, मगर आपको अगर जख्म लगा हो तो वो जो स्पिरिट से साफ करते हैं वो भी अल्कोहल है। जिस हवाई जहाज में आप उमरा और हज करने जाते हैं उस पे जो रंग लगा हुआ है उसमें भी स्पिरिट है, वो भी अल्कोहल है। जिस बॉल पॉइंट से आप निकाह नामा पे साइन करते हो उस पे जो इंक लगी है वो भी स्पिरिट है। तो अब ये बड़ा जरूरी था इस्लामी माशरे में, कैसे दानिशमंद होते उलमाए कराम जो लोगों को समझाते कि रिलेटिव क्या है और एब्सोल्यूट क्या है, ये नहीं समझाया गया हमें। तो हम कंफ्यूज कौम है पूरी की पूरी, हम कंफ्यूज कौम है। कई दफा ऐसा हुआ है मेरे साथ जहाजों में, अब तो बहुत कम हो गया क्योंकि अब मैं डायरेक्ट फ्लाइट्स लेता हूं, तो अब नॉर्मली मैं नहीं पता चलता मैं आगे कैबिन में होता हूं तो नहीं पता, वरना ये होता था कि जी कुछ मुसलमान बैठे, खासकर सिंगापुर की फ्लाइट्स ली, मलेशिया की फ्लाइट ली, जो आपको कुछ मुसलमान मिलते हैं, पाकिस्तानी मिलते हैं, तो अब भाई वो हलाल फूड, हलाल फूड, अब वो ट्रे लेके आई अपनी लेके, तो कहा बियर, तो बड़ा तजाद है कि भाई बियर पीनी है, वाइन पीनी है, मगर खाना खाना हलाल है, तजाद है। मैं ही नहीं कहता सही गलत है, इंसान के अपने अपने किरदार पर है, आपकी मर्जी, आप समझते हैं हलाल है हलाल है, आप समझते हैं हराम है, मगर आप समझे कि हमारा तजाद कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है हमारी जिंदगी में, है ना, कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा। अब ये जो प्रॉब्लम है सिमुलेटेड रियलिटी का, ये भी प्रॉब्लम बहुत अजीब से, हम सब एक मस्नूई दुनिया में रहते हैं जिसे हम रियल कहते हैं, हकीकत कहते हैं, ये हकीकत नहीं है, ये सारा इल्यूजन है जो हमारा ब्रेन क्रिएट करता है। मसलन एक शख्स आके कहता है जी मैं हिंदू हूं। अच्छा भाई तुझे कैसे पता था तू हिंदू है? कुछ सर्टिफिकेट है तेरे पास ऐसा जो ऊपर से आया हो? भाई तू हिंदू घर में पैदा हुआ था तो तू हिंदू बना, तू मुसलमान के घर पैदा हुआ था, तेरे माँ बाप ने मुसलमान का नाम रखा, कान में अजान दी, बड़ा हुआ कलमा पढ़ा मस्जिद, तू मुसलमान बन गया, तो तेरी असल हकीकत क्या है? तेरी असल हकीकत यह है कि तू अल्लाह ताला का एक बंदा है, तू एक इंसान है, और वैसे तो इंसान इस कायनात में जितने भी जगह पे अल्लाह की मखलूक होगी, चाहे वो परिंदे हो, हैवानात हो, पत्थर हो, बारिश हो, पानी हो, पहाड़ हो, मट्टी हो, कोई चीज भी हो, उसके साथ तेरा एक ताल्लुक, उसे भी अल्लाह ने पैदा किया, तुझे भी अल्लाह ने पैदा किया, अब मेरी माँ ने मुझे भी पैदा किया, मेरे भाई को भी किया, मेरी बहन को भी किया, तो मेरा ताल्लुक हो गया ना भाई बहनों के साथ, बिकॉज हम एक ही माँ की
पेट से आए हैं, तो अल्लाह जब सबको खल्क करता है तो सब हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस लेवल पे जब शऊर जाता है ना आपका, कि जब आपको लगता है कि मैं कनेक्टेड हूँ, तो फिर वो लेवल कुछ और, वो सेवन डायमेंशन के लेवल के करीब करीब वो लेवल होता है, या फिर सुपर कॉन्शियसनेस का लेवल होता है। तो मैं किसी को कैसे तकलीफ दूँ, उसे भी उसी रब ने पैदा किया जिसने मुझे पैदा किया। तो फिल्म मैट्रिक्स आई थी, पता नहीं आप लोगों ने देखी हो कि ना देखी हो, उसके बाद से तो कई ऐसी फिल्में आ गई हैं। तो हम भी एक मैट्रिक्स में रहते हैं, हम समझते ये दीवार है क्योंकि हमारी आंखें देखती है, हाथ टच करेंगे ठोस है, हकीकत में ये ठोस नहीं है मगर हमारे लिए ठोस है। तो जो कुछ हमारे अतराफ में मौजूद है वो रियल नहीं है, इल्यूजन है। बड़ी खूबसूरत नज़म थी, सब माया है, सब चलती फिरती छाया है, इस जग में हमने क्या खोया क्या पाया है, सब माया। तो जितने भी रूहानियत के लोग हैं, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, एक बात उन सब में कॉमन, जो नजर आता है वो वैसा नहीं है जैसा है। ये तो मुझे नजर आता है कि ये वैसा है मगर हकीकत इसकी कुछ और है, मगर मेरे लिए हकीकत है, चूंकि मेरे लिए हकीकत है तो मैंने उसको कह दिया सच्चाई है। मैंने कहा हकीकत है तो मेरे लिए हकीकत सच बन गई, मैंने सच को जोड़ दिया हकीकत के साथ। अब दुनिया में जो लोग मुझसे मुख्तलिफ हैं वो मेरे दुश्मन हैं। तभी पूरी दुनिया में मुख्तलिफ फिरके बनते हैं, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स बनते हैं, को किसी चीज़ के पीछे समझता है बेहतर है, को किसी चीज़ को बेहतर समझता है, इसीलिए ये डिफरेंसेस पैदा होते हैं दुनिया में, बिकॉज हर आदमी अपनी रियलिटी को सच मानता है। छोटी सी बात करता चलो, पहले दिन से जो बनी नौ इंसान को परवरदिगार आलम ने पैगाम भेजा वो तौहीद का था, तौहीद, तमाम अनबिया कराम के पास जो पैगाम है वो तौहीद, रिसालत कहीं नहीं थी, अल्लाह के पैगंबर थे बस ठीक है, मगर तौहीद के साथ रिसालत इस तरह नहीं जुड़ी थी कि बगैर रिसालत के कलमा मुकम्मल नहीं है ना। ठीक है ना, मूसा अलैहि सलाम का जमाने में रहने वाला एक आदमी जो नेक हो वो दुनिया से चला गया, अब रोज़े महशर वो खड़ा होता है तो आप उससे एक्सपेक्ट ना करें कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान, नहीं पहचानेगा क्योंकि उसका उम्मत ही नहीं है, वो मूसा अलैहि सलाम का उम्मत ही है। मगर क्या अगर उसने अच्छी ज़िंदगी गुजारी, अच्छे अमाल किए, तो क्या अल्लाह उसको जन्नत देगा या नहीं देगा? बड़े सोचने की बात है, सोचे, क्योंकि अल्लाह का अदल बड़ा ज़बरदस्त है। ये हो नहीं सकता कि किसी बंदे ने ज़िंदगी अच्छी गुजारी हो उन अहकाम पे जो उस दौर में मिले थे, उस दौर में जो मिले थे उसको उसने पूरा किया, अच्छी ज़िंदगी गुजारी, हराम नहीं खाया, माल नहीं लूटा, अपने पड़ोसी से वैसे ही सलूक किया जो अपने आप से करता है, तो फिर क्या अल्लाह उसको जन्नत देगा कि नहीं देगा? सोचने की बात, सोचिए। अब हम आ गए इसको अपनी सिमिलरली रियलिटी में ले आए, तो उसके लिए वो रियलिटी थी, हमारे लिए रियलिटी कुछ और है। तो अल्लाह ने पहले दिन से पैगाम तौहीद भेजा, मगर जब मुकम्मल पैगाम आया कुरान की शक्ल में, इस्लाम पूरा नाफिज हुआ, तो जिस अजीम हस्ती पर वो पैगाम उतरा उसका नाम कलमे में लाजिम हो गया, उसके बगैर कलमा मुकम्मल नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर मैं ये सोचता हूँ, आप भी सोचें, कि जब अल्लाह ने तौहीद 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 कमोबेश 1,00,000+-24,000 पैगंबर को तौहीद का पैगाम दिया, तो होना तो ये चाहिए था कि जो पहली वही आती वो तौहीद पर होती, पहली वही तौहीद पे आती ना पहली वही, मगर नहीं आई। पहली वही क्या आई? इकरा बिस्मे रब्बिकल्लज़ी खलक, इल्म पे आई, पढ़। क्यों इल्म पे आई? कि बगैर इल्म के आप सिमुलेटेड रियलिटी को पहचान नहीं सकते। हक को पहचानने के लिए, सच को पहचानने के लिए इल्म चाहिए, इल्म के बगैर आपको पहचान नहीं होगी। बातिल क्या है, हक क्या है, पहचान कभी भी नहीं होगी, इसलिए आई पहली वही इल्म। तो इल्म की इंपॉर्टेंस, इल्म की फजीलत मुसलमानों के लिए कितनी होनी चाहिए, सबसे पहले इल्म हासिल करना चाहिए, इल्म, और वो हमने छोड़ा। तो हम इस इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, सिमुलेटेड रियलिटी, मस्नूनी रियलिटी क्या है,
क्योंकि रियलिटी है मगर मसनूई, मगर हमारे लिए रियल है तो हम उसे मसनू नहीं कहेंगे। भाई मैं खाना खाता हूँ गुलाब जामुन, उनमें डाला टेस्ट आ रहा है, भैया गलत मसनूई कैसे हो सकता है, रबर का थोड़ी है चाइनीज़ बना हुआ। कुछ दिनों के बाद सब चीज़ें चाइनीज़ होगी तो गोश्त भी चाइनीज़ आएगा आपको बना हुआ प्लास्टिक का, पर ये तो रियल है। अरे आपका ब्रेन कह रहा है कि ये रियल है, हकीकत क्या है इसका? अच्छा मैं एक मिसाल दूँ और ख़त्म करूँ लेक्चर। ये मैंने शर्ट पहना है, अभी समझाता हूँ, ये शर्ट पहना है, ये कॉटन से बना हुआ है। मैं कहूँगा नहीं जी कॉटन से नहीं, ये पांच चीज़ों से बना हुआ है, आग से, पानी से, मट्टी से, हवा से और खला से। आप कहेंगे मोहित साहब क्या बात करें, ये कॉटन से बना हुआ। मैंने कहा नहीं भाई ये इन पांच चीज़ों से बना हुआ है। अब मेरा और आपका झगड़ा शुरू, मेरा शऊर कुछ और है, मैं चीज़ों के बियॉन्ड जाके देखता हूँ चीज़ों को। आप जो सामने चीज़ होती है जाहिर को देखते हैं, मैं बातिन को देख सकता हूँ। अच्छा क्यों ये पांच चीज़ों से बनाए? कॉटन किस चीज़ से बनता है जी? पौधे से, कब पौधा होता है ना। अच्छा उस पौधे को क्या चीज़ पांच चाहिए जिसके बगैर पौधा नहीं उग सकता? पानी चाहिए, हवा चाहिए, गर्मी आग की चाहिए यानी सूरज की तपिश चाहिए, ज़मीन चाहिए और उसके अंदर खला होती है स्पेस। स्पेस के बगैर कोई चीज़ तख्लीक नहीं होती, अगर तख्लीक हो जाए स्पेस ना हो तो ठक ब्लास्ट हो जाए ख़त्म। जब रब, ये मेरा अपना, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, आम सा आदमी हूँ, जाहिल आदमी हूँ, जब अल्लाह दुनिया को ख़त्म करेगा तो वो स्पेस ख़त्म कर देगा। जो आवाज़ होगी ना जोर की आवाज़ का होना होगा, स्पेस ख़त्म हो जाएगी। स्पेस ख़त्म होगी सारी चीज़ें एक हो जाएगी, जिस तरह एक नुक्ते से तमाम कायनात बनी वो वापस ठक और गायब। स्पेस ख़त्म कर दो सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी, कितनी पावर है स्पेस में। इसीलिए लोगों को स्पेस दिया कर, समझे, स्पेस दिया करें, बीवी को स्पेस दे दे, बच्चों को दे, माँ बाप को स्पेस दिया करें। बूढ़े हो वालदेन बार बार तंग करते हो, कोई बात नहीं, बुढ़ापा है चलेगा, स्पेस दिया करें। किसी ने कर्ज लिया अगर अदा नहीं कर सकता, टाइम दे दे उसको, स्पेस दे दे उसको, स्पेस दे दे। अच्छा जी हो गया टाइम पूरा, अब हम वो करते हैं हीलिंग। हीलिंग के लिए फिर बता दूँ, अगर आपके घर में कोई भी बीमार है तो इसको ऑन रखिएगा और अपने दोनों हाथ उस पर रखें, बिस्मिल्लाह पढ़ के और फिर दुरूद पाक पढ़ के। अगर आप अपने ऊपर रखना चाहते हैं, आपको जिस्म में कहीं दर्द है, परेशानी है, बीमारी उधर रखें, कोई और भी परेशानी है किसी किस्म की, तो जिस्म पे कहीं पे भी हाथ रखें, तसव्वुर करें कि वो काम आपका हो गया या वो चीज़ हो गई। अगर कोई दूर है आपसे जिसको हीलिंग की ज़रूरत है, आपके घर में मौजूद नहीं, कमरे में मौजूद नहीं, तो अपने जिस्म पे हाथ रख कर उसका तसव्वुर करें और विजुलाइज करें, इमेजिन करें कि वो शख्स ठीक हो। अल्लाह ताला सबको शिफा दे।
آباد رہے, شاد رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے, توفیق دے کہ خوشیاں دوسروں میں بانٹیں, پاکستان پائیں گا. زیادہ تر سوالات ہو گئے ہیں, ایک آدھ رہ گیا ہو تو نیکسٹ ٹائم. ایک رہ گیا سوال, میں اس کو یہ میرے ٹیبل پہ رکھوا دینا, ان سب کو لے جاؤ چیزوں کو.